Yes, a very good morning to all of you. I said a very good morning. Good morning to all of you. सब लोग हैं मेरे साथ, मुझे देख पा रहे सब लोग? Yes, are you able to see me, people? Are you able to see me? Yes. Okay, yes, है. Students आ रहे हैं. Very good. Very very good morning to all of you. I said a very very good morning to all of you. कैसे भाई सब लोग? Yes, I'll see people getting up now. Yes. Okay, उत्कर्ष का आ गया है. जय माता दी. उत्कर्ष ने जय माता दी दे दिया भाई. अरे भाई, टीचर स्टार्ट करे उससे पहले स्टूडेंट्स रेडी होने चाहिए. आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो. यस, सिक्स पीपल हैव जॉइंड. ओके भाई, लोग 6 लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग आएंगे. उत्कर्ष, शेड्यूल क्या बेटा तुम्हारा फिलहाल? उत्कर्ष, यस सचिन, गुड मॉर्निंग. जय माता दी बोलना है सचिन. जय माता दी. दुर्वेश, जय माता दी. ओम गंग गणपते नमः. दुर्वेश. कृतिका, जय माता दी. आई होप यू ऑल रिमेम्बर हमने जय माता दी की बात की है. उत्कर्ष, एक सवाल है, क्या शेड्यूल है भाई तुम्हारा? तुम बहुत जल्दी आ गए. सबसे पहले कैसा शेड्यूल है तुम्हारा? एक तो तुम बहुत सिंसियर हो या तुम्हारा शेड्यूल बहुत फ्री है, लिबरल है? आयुषी, जय माता दी. यस, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू. कैसे भाई सब लोग? जय माता दी. निनाद आहिल, जय माता दी बेटा. जय माता दी आहिल बेटा. ममता दालमिया, जय माता दी मैडम. ममता जी, जय माता दी. ओके ओके, वेटिंग फ्रॉम डॉट 815. क्या बात है उत्कर्ष. बस अगर हर स्टूडेंट उत्कर्ष जैसा हो जाए ना, तो बस टीचर को मजा आ जाएगा. हर स्टूडेंट अगर उत्कर्ष जैसा होगा तो बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड. आई सैल्यूट टू यू उत्कर्ष. मान गए बॉस तुम्हारा डेडिकेशन. उत्कर्ष, तुम्हारा डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है बॉस. मान गए, बहुत भारी, बहुत हार्ड. यस, जय माता दी शिवानी. जय माता दी. गुड मॉर्निंग नहीं, जय माता दी. मोहिनी, जय माता दी बेटा. जय माता दी. आई होप यू ऑल रिमेम्बर कि कल का हमारा डिस्कशन जो था, उस डिस्कशन में हम लोगों ने कुछ 7 questions लिखे थे आरसीडी में. अरे सबको याद है ना, वी हैड नोटेड डाउन सम 7 questions. और ये हमारा सब्जेक्ट का जो टाइटल है, जो 9 chapters है, उन 9 chapters को हमने कैसे इन 7 questions में डिवाइड किया था. Yes, पीपल, मैं बता रहा था जो 9 questions कल हमने लिखे है, जो 7 questions लिखे, जो 9 chapters को उसमें डिवाइड किया था. सब लोग है ना भाई मेरे साथ? अरे बोलो भाई, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो. आपके कमेंट्स पर मेरा अगला रिएक्शन होगा. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. कल हमने 7 questions लिखे थे, सबके पास 7 questions लिखे हुए है क्या? यस और नो बोलो मुझे. 7 questions सबने लिखे है क्या? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. यस सर, आहिल ने बोला यस सर. तो आपने जो 7 questions लिखे थे, उनमें से हमने जो फर्स्ट फोर क्वेश्चन हमारे जो है, उन फर्स्ट 4 questions को हमने क्या किया था? फर्स्ट 4 questions आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4. चैप्टर 1 टू 4 से फर्स्ट 4 questions रिलेटेड है. सॉरी, फर्स्ट 5 questions आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 टू 4. देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 9 आएगा. जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 9 आएगा. जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड 8 आएगा. तो हमारे जो 9 chapters है, वो 9 chapters का बेसिस आरसीडी का हमने कल के सेशन से पढ़ना स्टार्ट किया था. यस यस यस, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था,
जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था, भैया चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। जब रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, तो मुझे आप सब लोग बोलो कल के सेशन में जो हमने डिस्कस किया था, कमेंट करके मुझे चाहिए, व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, क्विकली कमेंट करो। कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, क्विकली कमेंट करो सब लोग, व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। सर आपके पास देखने की क्या जरूरत है, जब आप हमारे पास देख रहे हो तो आपके पास देखने की क्या जरूरत है सर, व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, क्विकली कमेंट करो सब लोग, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखते कितने स्टूडेंट्स को कल का याद है, यस कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन, विद क्या बात है बेटा, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन विच इन्वॉल्व्स बिजनेसेस ऑफ कंपनीज, आगे क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ, यस आगे यू राइट, कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग बिजनेसेस रादर देन इंडिविजुअल, परफेक्ट परफेक्ट है सबका, एकदम बढ़िया, बहुत हार्ड। तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, आपको एक चीज क्लियर है कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के लिए हम कहते हैं कंपनी का बिजनेस जब इन्वॉल्व होता है, कंपनी के बिजनेस को लेकर जब कोई डिस्प्यूट होगा तभी वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होगा। नंबर वन, ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जो ऑर्गेनाइजेशनल का डिस्प्यूट है, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, हम कहते हैं ना एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया डायरेक्टर के साथ, या दो एम्प्लॉयज का झगड़ा हो गया, दो एम्प्लॉयज का झगड़ा होना, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट है। तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट में क्या डिफरेंस है, दो एम्प्लॉयज का झगड़ा होना ये ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट है, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में क्या डिफरेंस है, कल हमने डिस्कस किया था, हाउ इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, बोलो मुझे, हाउ इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, क्विकली हाउ इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, यस वेटिंग फॉर कमेंट्स, हाउ इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, सही है, यस ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट प्रीति, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, रंजना रंजन का दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ये सही जवाब नहीं है रंजना, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट इज इंटरनल, करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट को कौन रिजोल्व करता है, मैनेजमेंट रिजोल्व करता है, व्हेयरएज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को मैनेजमेंट रिजोल्व नहीं करता है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की लिटिगेशंस और केसेस कोर्ट में जाते हैं, एनसीएलटी में जाते हैं, यस ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट इज रिजॉल्व इंटरनली, ये भूलो मत, रंजना ने बहुत सही जवाब दिया कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स नहीं होते, क्या बात है, ये थॉट भी तुम्हारा बहुत भारी है भाई, यस कॉर्पोरेट डिस्प्यूट आर कमर्शियल एंड कंपनी इज वन पार्टी, वेरी गुड करेक्ट, कंपनी कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के ऑफिसर्स आर मेड वन ऑफ द पार्टीज इन द लिटिगेशन इन कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, वेरी गुड। अच्छा तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, ये तो आपने जान लिया, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, जो थर्ड क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, भाई ये डिस्प्यूट होता ही क्यों है, ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्यों पनपता है, ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कैसे ग्रो होता है भाई, ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कैसे आता है, किस वजह से होता है, व्हाई अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, तो उसके हमने दो रीजंस देखे थे, वी आर सीइंग टू रीजंस व्हाई अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, एनीवन दो रीजन जो हमने देखे थे, व्हाई अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, क्विकली व्हाई अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, दो कारण हमने देखे थे, दो कारण देखे थे हमने, व्हाई अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, यस अहिल यू आर राइट बेटा, एक्शंस एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो एक्शंस है उनकी जो पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके कारण मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो एक्शंस थे अगर वो एथिकल नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना ब्रिच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटीज किया है, एथिकल एक्शंस नहीं किया है, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल और रिफ्यूज टू एक्ट, मतलब एक तो एक्ट करो तो गलत करो या फिर एक्ट ही ना करो, दो कारण हो सकते हैं, एक तो एक्ट किया या फिर एक्ट नहीं किया, एक्ट करने के फेल हो गए एक्ट करने के लिए, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इस वजह से अराइज होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्शंस एंड पावर्स और रिफ्यूजल टू एक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट, ये हमने तीन सवाल कल देखे थे, एम आई राइट, कल हमने पहले तीन क्वेश्चन देखे थे आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन, अरे बोलो भाई, आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन कल हमने तीन क्वेश्चन देखे थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आगे बढ़ रहे चौथे क्वेश्चन की तरफ, अगर आपका कमेंट आएगा यस सर
जय माता दी। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। फोर्थ क्वेश्चन कल का हमारा, बोलो व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व इन टाइम। सर हमने देख लिया कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसे कहते हैं। सर हमने ये समझ लिया कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट से कैसे अलग है। सर हमने ये भी देखा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कैसे अराइज होता है। तो सर ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कभी अगर अराइज होता भी है तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, इस कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को इन टाइम रिजॉल्व क्यों करना है, अगर कल को कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो भी गया तो उसको इन टाइम रिजॉल्व कैसे करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, रियल लाइफ सिचुएशन है। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड वाज, मारुति सुजुकी कंपनी, सबने सुना है मारुति सुजुकी कंपनी, भैया मारुति की कार है ना, कितने स्टूडेंट्स के पास मारुति की कार है, मतलब घर में मारुति की कार है। अरे बोलो भाई, मारुति सुजुकी कंपनी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व इन टाइम का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मारुति सुजुकी कंपनी का मैं दे रहा हूं, व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व इन टाइम। यस, उत्कर्ष ने हाथ ऊपर किया है, तो ध्यान से सुनो, जिनके पास घर में मारुति की कार है वो भी सुन लो, और जिनका सपना है कि मुझे एक दिन मेरी कार खरीदनी है वो लोग भी सुन लो, व्हाई द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व इन टाइम। तो दोस्तों ये उस समय की बात है, द पीरियड वॉज अक्टूबर 2013 की बात है। मारुति सुजुकी कंपनी का जो मैनेजमेंट बॉडी था, उस मैनेजमेंट बॉडी का और एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज के किसी मांग को लेकर, डिमांड को लेकर डिस्प्यूट हो गया। एम्प्लॉयज अपना सैलरी हाइक करना चाहते थे, एम्प्लॉयज का जो यूनियन लीडर था उसने सारे एम्प्लॉयज को काम रोकने के लिए कह दिया, सैलरी हाइक की डिमांड की। मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट ने वो सैलरी हाइक की डिमांड मंजूर नहीं की। मैनेजमेंट मिलकर उन्होंने सोचा कि ये जो यूनियन लीडर है जो बाकी सारे एम्प्लॉयज को भड़का रहा है, ये यूनियन लीडर और उसके जो तीन साथीदार है, इन चारों को हम कंपनी से निकाल देते हैं तो बाकी के एम्प्लॉयज बराबर काम पर आ जाएंगे। मारुति सुजुकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्शन देखो, एक्शन क्या लिया उन्होंने, उन्होंने एक्शन ये लिया कि उन्होंने उन यूनियन लीडर के साथ उसके जो तीन साथीदार थे उन चारों को कंपनी से हटा दिया। दिस वाज द एक्शन हाउ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, नाउ अंडरस्टैंड, दिस वाज द एक्शन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उन्होंने उन चारों को काम से हटा दिया। अब इन चारों को जॉब से हटाने के कारण सारे एम्प्लॉयज गुस्सा हो गए। इन चारों ने एम्प्लॉयज को जाकर कहा, आज हमें हटा रहे कल आपको हटाएंगे, और एम्प्लॉयज का स्ट्राइक रिजॉल्व, और एम्प्लॉयज का स्ट्राइक हम कहे स्ट्राइक कैंसिल होने की जगह स्ट्राइक और बढ़ गया और बगावत और बढ़ गई। एम्प्लॉयज ने फैसला कर लिया, किसी भी हालत में जब तक इन चारों पर काम, चारों को काम पर नहीं लेते हम काम पर नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज ने यह बात मैनेजमेंट को कन्वे कर दी, आपको इन चारों को काम पर लेना पड़ेगा, हमारे डिमांड्स मांगने पड़े, आपको हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काम पर आएंगे। मैनेजमेंट ने सोचा था इन चारों को हटाकर, इन चारों को हटाकर अगर हम बाकी एम्प्लॉयज को डरा देंगे तो बाकी एम्प्लॉयज काम पर आ जाएंगे, बट एग्जैक्टली उल्टा हुआ जो मैनेजमेंट ने सोचा था, और ये बगावत और बढ़ गई। ये अक्टूबर 2013 की मैं बात करूं, ये अक्टूबर 2013 का स्ट्राइक, यू विल नॉट बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, इट कंटिन्यू टिल अप्रैल 2014। अक्टूबर 2013 का स्ट्राइक अप्रैल 2014 तक कंटिन्यू रहा, और यू विल बी सरप्राइज टू नो अप्रैल 2014 तक जब ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहा, मारुति का हरियाणा में जो मनेसर प्लांट है, मनेसर प्लांट, जो लोग हरियाणा से है उन्हें पता होगा, हरियाणा में जो मनेसर प्लांट है उस मनेसर प्लांट में ये स्ट्राइक हुआ था। हरियाणा के मनेसर प्लांट में जब ये स्ट्राइक हुआ था तो वहां पर एक वक्त ऐसा था इन द मंथ ऑफ अप्रैल जहां पर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर डिस्कस कर रहा था कि कैसे स्ट्राइक को खत्म करे, और एम्प्लॉयज बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ एम्प्लॉयज 6 महीने से स्ट्राइक चल रहा है इसलिए इसने इतने गुस्सा हो गए थे कि एम्प्लॉयज ने अंदर मैनेजमेंट की जहां पर मीटिंग चल रही थी उस रूम को जाकर वहां पर कुछ 2-4 एम्प्लॉयज ने आग लगा दी। दोस्तों ये मैं रियल हकीकत बता रहा हूं, यू कैन लेटर ऑन चेक ऑन गूगल। आग लगाने के कारण मैनेजमेंट के एक पर्सन की डेथ हो गई उस आग में, मैनेजमेंट का एक व्यक्ति ही डाइड, और ये डिस्प्यूट का अंत कैसे हुआ, एक मैनेजमेंट के व्यक्ति की डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब लोग अंदर कूदे और उन्होंने एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का
हम कहते हैं एक मीडिएटर का रोल प्ले किया और डिस्प्यूट बाद में खत्म कर दिया। मेरा ये स्टोरी बताने का पर्पस क्या है, अगर हमने कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइज होता भी है तो उस कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को इन टाइम रिजोल्व करना चाहिए। अगर हम उसे इन टाइम रिजोल्व नहीं करते तो डेफिनेटली वी मस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। और हमारा चौथा पॉइंट वही है, आपके नोट्स में आप लोग लिखोगे, बाय द वे सबको ये स्टोरी समझ में आ गई है तो कुछ कमेंट करो, लेट मी सी आपको समझा है कि नहीं। हमारा चौथा पॉइंट है, व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व इन टाइम। अरे बोलो भाई, वेटिंग फॉर कमेंट्स, व्हाई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व इन टाइम। हम कहते हैं इफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इज not resolved in time, if corporate dispute is not resolved in time, dash करके sub clause A, it indicates an important failure, it indicates an important failure of governance, important failure of governance। अब जो लोग गवर्नेंस जानते हैं उन्हें पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन कंपनी। कल हमने जीआरएमसी किए, यस सुशील यू राइट, अ स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन, करेक्ट। हमने कल गवर्नेंस के लेक्चर में, जीआरएमसी के लेक्चर में गवर्नेंस का मीनिंग देखा हुआ है, यस। क्विकली बोलो, अगर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को हमने इन टाइम रिजोल्व नहीं किया, इट इंडिकेट्स एन इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन कंपनी। गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, अब आप रिलेट कर सकते हो, जो लोग गवर्नेंस पढ़ रहे थे उनको यहाँ पर उसका लिंक आ जाएगा। कैन एनीवन टेल मी, कमेंट एंड टेल मी हाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ। यस निधि, यू आर राइट बेटा, डिसीजन मेकिंग। अरे भाई, जिस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर नहीं है तो वहां पर डेफिनेटली इस तरह के फेलियर्स होने ही है, इस तरह के डिस्प्यूट बढ़ने ही है। सब लोग है ना भाई। अरे बोलो भाई, जहां पर इस तरह का कंपनी का मैनेजमेंट हम कह सकते हैं डिस्प्यूट को वक्त पर रिजॉल्व नहीं कर पाया तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ डिसीजन मेकिंग होना ही है। सो द फर्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट्स एन इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन द कंपनी। देन सेकेंड रीजन आप लिखो, इट डेमोन्स्ट्रेट्स डैश करके आगे लिखा इनएबिलिटी, इट डेमोन्स्ट्रेट्स इनएबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू हैंडल crisis, it demonstrates inability of management and board of directors to handle crisis। मतलब क्या, competency of the BOD and management, board of directors और management की competency पर सवालिया निशान उठ जाता है जब उन्होंने dispute को समय रहते resolve नहीं किया। मतलब they are not that competent, it demonstrates inability of the management and board of directors। Then number three, third reason, attracts mediator, जो मारुति के केस में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, कूदना पड़ा था। सो attracts mediator, हम कहते हैं attracts mediator who plays the role of resolving dispute, और mediator आने से क्या होता है, when mediator comes तो क्या होता है, कंपनी का जो social image है, जो public image है, जो reputation है, उसको खतरा हो जाता है। तो attracts mediator who plays role of resolving dispute, but social image is lost। मारुति के उस
इंसिडेंट से जब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलिटर का रोल करना पड़ा था, यू विल बी सरप्राइज टू नो वो 6 महीना जब प्रोडक्शन बंद हुआ था, मारुति के जो कॉम्पिटिटर्स थे हुंडई कंपनी, उन उस वक्त हुंडई कंपनी के कार का सेल डबल हो गया था और मारुति की कंपनी का कार का सेल ठप हो गया था बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं था। नंबर वन, भले लोग मारुति की कार लेना चाहते थे बट प्रोडक्शन ना होने के कारण उन्हें मजबूरी में हुंडई की कार ली थी बिकॉज दैट वाज द बेस्ट अल्टरनेटिव। एट द सेम टाइम मारुति कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, वो स्टॉक मार्केट में काफी नीचे आ गया था। रीजन बिकॉज सोशल इमेज इज लॉस्ट, देन नंबर थ्री हो गया, नंबर फोर, इट लीड्स टू reputational and operational risks for the organization। भैया ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है और जो ऑपरेशनल है दोनों खतरे में है। भैया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को अगर वक्त रहते रिजॉल्व नहीं करोगे तो आपको मैं बता दूं, अगेन एक स्टोरी, इंफोसिस जैसा बड़ा नाम, इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी, एनआर नारायण मूर्ति द ब्रांड मेकर, द चीफ मेंटर ऑफ इंफोसिस, एनआर नारायण मूर्ति से एक गलती हो गई जिंदगी में। एनआर नारायण मूर्ति ने इंफोसिस के जो सीईओ थे उनको हटा दिया था नौकरी पर से एंड विदाउट एनी जस्टिफाइबल कॉज। जब नारायण मूर्ति को पता चला कि वो इंफोसिस के एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे, भैया अगर आप इंफोसिस के एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो कोई भी सीईओ लेवल के बंदे को हटाने के लिए यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसेस। उन्होंने वो प्रोसेस ना फॉलो करने की वजह से इंफोसिस का रेपुटेशनल रिस्क खतरे में आ गया था। लेटर ऑन इट वॉज प्रूव्ड कि नारायण मूर्ति का कदम सही था बट कुछ समय के लिए वो डिस्प्यूट को सही ढंग से हैंडल ना करने के लिए द रेपुटेशनल रिस्क वॉज देयर फॉर इंफोसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो भैया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को अगर इन टाइम रिजॉल्व नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये हमने लिखे। पहला बड़ा कॉन्सिक्वेंस में मेन रीजन क्या है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस। भैया गवर्नेंस फेलियर हो गया, इट लीड्स टू फेलियर ऑफ गवर्नेंस। द नंबर टू, इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द मैनेजमेंट और बीओडी इज इनकॉम्पिटेंट। ये दर्शाता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट ऑफ बीओडी इनकॉम्पिटेंट है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर जब स्टेक होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो मैनेजमेंट को देख के इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जो होता है वो उस कंपनी के मैनेजमेंट के क्वालिफिकेशंस और उनके कॉम्पिटेंसी पर होता है। अगर आपका मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट साबित हुआ तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द स्टॉक प्राइस ऑफ योर कंपनी। नंबर थ्री, जब ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो जो पॉलिटिशियंस है, जो मीडिया हाउसेस है, जो थर्ड पार्टीज है, जिनको अपनी रोटियां सेकनी होती है, वो तो ऐसे डिस्प्यूट का वेट करते हैं। तो अचानक से ऐसे मीडिएटर्स आ जाते हैं जिसमें मीडिया आ जाती है और ये मीडिएटर्स और मीडिया से कंपनी का जो सोशल इमेज है वो तो खतरे में आता है बिकॉज जो मीडिएटर्स होते हैं वो अक्सर जो लोअर क्लास, जो एम्प्लॉय क्लास है उनके साइड से होता है। अगर डिस्प्यूट कंपनी में और एम्प्लॉयज में है तो ये अक्सर इस तरह का हम कहते हैं सिचुएशन देखने में आता है। सो सोशल इमेज इज लॉस्ट एंड कंपनी का रेपुटेशनल एंड ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो खतरे में होता है। आई होप सबको चारों रीजंस क्लियर है। क्लियर है तो दो थम्स अप कर दो, आई वांट टू थम्स अप, जिसको भी क्लियर है दो थम्स अप कर दो क्विकली, वेटिंग फॉर योर टाइम। Yes. तो हमारा अगला सवाल, अब हम अगला सवाल देख रहे हैं। भैया अगर हमने ये चार पॉइंट्स देख लिए तो हमारा अगला सवाल क्या आता है दोस्तों, अगर डिस्प्यूट को इन टाइम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा अगला सवाल है, भैया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के फायदे क्या है। मैं आपको फायदे गिनाऊं, मैं आपको फायदे बताऊं, इससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्प्यूट को वक्त पर रिजॉल्व करने के क्या फायदे हैं। कोई मुझे कमेंट करके बता पाएगा, अगर हमने कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को इन टाइम, जैसे कहा था ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अगर हमने इन टाइम रिजॉल्व कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने उसको इन टाइम रिजॉल्व कर दिया, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। मैं तब तक वो फिफ्थ पॉइंट का हेडिंग दे रहा हूं, बेनिफिट्स।
of resolving corporate disputes in time. गुड सोशल इमेज एग्जैक्टली. अभी तुम क्या करोगे पता है क्या चिरंजीवी, जो जो हमारे डीमेरिट्स थे उसको आप मेरिट्स में कन्वर्ट करोगे. ये स्टूडेंट्स की पुरानी आदत है भैया, जब भी किसी सवाल के मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे जाते हैं, हम जो डीमेरिट्स होते हैं उसको मेरिट्स में कन्वर्ट करते हैं और जो मेरिट्स है उसको डीमेरिट्स में कन्वर्ट करते हैं. तो चिरंजीवी ने बोल दिया ओके गुड सोशल इमेज. देखो सब लोग वही कर रहे, सब लोग चिरंजीवी के साथ आहिर हो सचिन हो सब लोग वही कर रहे, जो जो भी डीमेरिट्स थे उन्होंने उसको मेरिट्स में कन्वर्ट कर दिया. ना मुन्ना ना, ध्यान रखना हम अब सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं. अब हम ये फाउंडेशन जैसी हरकतें नहीं करेंगे. ये फाउंडेशन लेवल तक, थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल तक चलेगा भैया, प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा नहीं चलेगा. वो एग्जामिनर तुरंत तुम्हारी चोरी पकड़ लेगा. ऐसे रीजन आप लिखोगे तो तुरंत तुम्हारी चोरी पकड़ लेगा. बिकॉज हाँ, जो रीजन हमने देखे थे रिजॉल्व नहीं किया तो रिजॉल्व कर दिया तो वो नहीं होगा. ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं करना है. उसको प्रेजेंट अलग ढंग से करना है. लिखना वही है पर उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बदलना है, और हम प्रेजेंटेशन का तरीका बदल रहे हैं. तो सब लोग मेरे साथ लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इन टाइम है. नंबर वन आप लिखो प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस नेगेटिव इंपैक्ट. प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट. ध्यान रखना प्रेजेंटेशन का तरीका बदलना है. प्रेजेंटेशन का तरीका अगर हम लिखेंगे गुड सोशल इमेज तो पेपर चेकर आपकी चोरी पकड़ लेगा. हम उसे प्रेजेंट कर रहे प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट. बहुत भारी लगता है ना, प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ गुड क्या ऑफ प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट. यस, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए. पॉइंट नंबर वन. देन पॉइंट नंबर टू आप हम लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंप्रूव कंपनीज परफॉर्मेंस. भैया जो ऑपरेशनल रिस्क अब वो नहीं रहा, ऑपरेशनल रिस्क नहीं रहा, बट हम लिखेंगे क्या लेसर ऑपरेशनल रिस्क. नहीं, हमें लिखना है कॉन्ट्रीब्यूट टू इंप्रूव कंपनीज परफॉर्मेंस. बहुत भारी लगता है प्रेजेंटेशन का तरीका. अगर हम एज इट इज लिखेंगे तो वो हमारी चोरी पकड़ लेगा. ये स्टूडेंट को पता नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे कैसे प्रेजेंट करते हैं. लेवल ऑफ नॉलेज इज एक्सपर्टाइज्ड. हम लिख वही रहे बट हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका बदल रहा है. कॉन्ट्रीब्यूट टू इंप्रूव कंपनीज परफॉर्मेंस. देन नंबर थ्री. अब देखो नंबर थ्री स्ट्रेंथन्स. बहुत भारी लगता है स्ट्रेंथन्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. यस, प्रोफेशनल सेंटेंस फॉर प्रोफेशनल्स. स्ट्रेंथन्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. बहुत बार लगता है स्ट्रेंथन्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. भैया इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन हुआ मतलब क्या, कंपनी का गुडविल और रेपुटेशन अच्छा हुआ. जो रेपुटेशनल रिस्क था वो नहीं रहा. हमने ऑपरेशनल रिस्क के लिए नंबर टू लिखा है, सोशल इमेज के लिए नंबर वन लिखा है, रेपुटेशन के लिए नंबर थ्री लिखा है. बट प्रेजेंटेशन का तरीका देखो स्ट्रेंथन्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. बहुत भारी लगता है. एंड नंबर फोर सपोर्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी. मतलब क्या भैया, अगर हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को इन टाइम रिजोल्व करोगे, सपोर्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब गोइंग कंसर्न, तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक गोइंग कंसर्न बना रहेगा. भैया ये तो जनरल नॉलेज है, अगर आप डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं करोगे वक्त रहते है, अगर आप वक्त रहते डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं करोगे तो आपका अनिल अंबानी, आपका जेट एयरवेज, आपका विजय मल्या, आपका नीरव मोदी, इनके जैसे कंपनीज का जो ठप हो गया बिजनेस वैसा हो जाएगा. बट अगर आप समय रहते रिजोल्व करोगे तो आपका इंफोसिस, आपका मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपका विप्रो, आपका टीसीएस ऐसे रहेगा, मतलब गोइंग कंसर्न बना रहेगा. अरे बोलो भाई, लिखे वही पॉइंट्स है बट प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हुआ है. अगर कल को पूछा गया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को इन टाइम रिजोल्व नहीं किया तो क्या होगा और करने से क्या होगा, इन टाइम रिजोल्व नहीं किया तो क्या होगा और करने से क्या होगा, तो हमें वो पॉइंट्स लिखते वक्त
कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि हमने एज इट इज उसको रिपीट नहीं किया है, वरना 10th स्टैंड का बच्चा वही करेगा। अरे बोलो भाई, सबको समझाएगी नहीं। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा एक्रोनिम बता रहा हूं, ये चारों हमारे बेनिफिट्स को याद रखने के लिए। आप सब लोग क्या बनने वाले हो? आप सब लोग बनने वाले हो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं सब लोग प्रैक्टिस ही करेंगे। आप सब लोग बनने वाले हो एक स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इन चारों बेनिफिट्स को याद रखना है तो आप सब लोग क्या बनने वाले? एक स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इन दैट एस स्टैंड फॉर हम कहेंगे सपोर्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। देन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का पी स्टैंड फॉर प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस नेगेटिव इंपैक्ट। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रीब्यूट टू इंप्रूव्स कंपनीज परफॉर्मेंस। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अरे क्या बात है, एक स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अगर होगा तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं होगा। एक स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होगा तो किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं होगा। बात क्या बात, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अरे है नहीं दोस्तों, बोलो, 5 सवाल के जवाब हो गए, बोलो क्विकली। एक स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कैसे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अहम भूमिका निभाता है? वो होगा तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं होगा। अब इनडायरेक्टली जब आप ये 4 स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट्स लिख पाओगे तो आप वो 4 पॉइंट्स कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया तो क्या होगा वो भी लिख पाओगे। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया तो सोशल इमेज नहीं मिलेगा, इनकॉम्पिटेंट बोर्ड होगा, देन रेपुटेशनल रिस्क होगा, ऑपरेशनल रिस्क होगा। दैट इज द वे यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स। ये प्रोफेशनल है भाई, ये प्रोफेशनल है। द लेवल ऑफ नॉलेज इज एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज में यू हैव टू बी ऑन योर पॉइंट। यस उत्कर्ष, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, जब आप आरसीडी बोलो या गवर्नेंस कहो या सीआरआई कहो, अरे भाई इसमें जो इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसको याद रखना है तो सिंपल तरीके से याद रखना होता है। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें लॉजिकली उस एक्रोनिम के तहत याद रखना है, एप्लीकेशन के तहत। ओके, कल को आ गया बेनिफिट्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। सर ने कहा था स्मार्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इन दैट एस स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग द बिजनेस कंटिन्यूटी। पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क नेगेटिव इंपैक्ट। Okay, C stands for contributing to improve company's performance. S stands for strengthening investor confidence. बहुत भारी लगता है। हमने कल governance के lecture में भी same ऐसा acronym देखा था। कोई है क्या? हमने corporate governance के features को ऐसे एक acronym के तहत discuss किया था। कोई अगर कल के lecture में होगा governance के तो बता पाएगा? Governance, corporate governance के 2 acronym देखे थे हमने। Anyone? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझने का हमने 2 एक्रोनिम देखा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं। यस रिद्धि दुर्वेश, यस सीपीटी फियर एंड ताड़ी, यस 2-2 भी था, 2-2-2 ध्यान रखना, 2-2-2 था, फिर सीपीटी फियर था और उसके बाद ताड़ी था। अब कोई बाहर वाला बच्चा होगा तो बोलेगा क्या है भाई ये सीपीटी फियर, क्या है ताड़ी, क्या है 2-2? भाई इस 2-2-2 में, इस सीपीटी फियर में और इस ताड़ी में हमारा पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स वो भी आ गए थे। बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? 2-2-2, सीपीटी फियर एंड ताड़ी। यस एनीवेज आगे बढ़ते, 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट में जाते हैं। बोलो हमारा 6 पॉइंट कौन सा है? यू हैव टू टेल मी नाउ हमारा 6 पॉइंट कौन सा है। आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट करके बोलोगे हमारा 6 पॉइंट। हमने 7 क्वेश्चन लिखे हैं तो हमारा 6th क्वेश्चन 6 पॉइंट क्या है, कमेंट करो क्विकली। मुझे पता है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। बोलो, वेटिंग फॉर कमेंट्स। यस आहिल, यू आर राइट बेटा, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ, अब मैं लिखूंगा आगे कंपनीज एक्ट, नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड
अदर वेरियस लॉज, इन अदर वेरियस लॉज में क्या आएगा, डैश करके लिखो आप सेबी डैश, हम लिखेंगे फेमा डैश हम लिखेंगे, देन फेमा के बाद मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, और उसके बाद लिखेंगे एटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। भैया वो सारे लॉज जो कंपनीज को एप्लीकेबल होता है वो हमारा, भैया हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है बोलो मत, सब्जेक्ट का नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट सिर्फ इतना नाम है क्या, नहीं, आगे दिया ना रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के आगे नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। अभी अभी हमने सिर्फ क्या देख लिया, अभी हमने रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट देख लिया, जिसमें हमने व्हाट इज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, व्हाई द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, व्हाई इट मस्ट बी रिजॉल्व इन टाइम, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ऐसा हमने अभी तक समझ लिया है। अब हम देख रहे हैं भैया नॉन कंप्लायंसेस जो हमारे चैप्टर में आता है सब्जेक्ट के अंदर, नॉन कंप्लायंसेस में क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस आते हैं, तो नॉन कंप्लायंसेस में नॉन कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर वेरियस लॉज, अदर वेरियस लॉज में मैंने लिखा है सेबी, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, और फिर लिखा है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी ईटीसी, वो सारे लॉज जो कंपनीज को एप्लीकेबल है। तो हमारे ये जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के लिए हमारे चैप्टर्स कौन से है, इस 6 पॉइंट के लिए हमारे चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 9, तीन चैप्टर्स हमारे इस नॉन कंप्लायंसेस को लेकर है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को लेकर हमारे पहले 4 चैप्टर्स थे, हमारे इस पॉइंट के लिए चैप्टर नंबर 5, 6 और 9 है। अब हम नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर सब लोग मेरे साथ लिखेंगे नीचे एरो करके, पॉइंट नंबर 1, अगर नॉन कंप्लायंसेस होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, रेगुलेटरी एक्शन होगा। अरे नॉन कंप्लायंसेस होगा तो क्या होगा, रेगुलेटरी एक्शन होगा। रेगुलेटरी एक्शन क्या होता है सबको पता है, अगर सेबी क्या कहेंगे तो सेबी के तरफ से नोटिस आएगा, फेमा कहेंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से नोटिस आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहेंगे तो ईडी का नोटिस आएगा, इनकम टैक्स एक्ट कहेंगे तो इनकम टैक्स कमिश्नर का नोटिस आएगा, कॉम्पिटिशन एक्ट कहेंगे तो कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नोटिस आएगा, जीएसटी कहेंगे तो जीएसटी अथॉरिटीज का नोटिस आएगा। तो सबसे पहले नॉन कंप्लायंसेस होने पर क्या होगा, नॉन कंप्लायंसेस होने पर रेगुलेटरी एक्शन होगा, रेगुलेटरी एक्शन मतलब नोटिस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नोटिस के बाद प्रोसिक्यूशन आएगा, प्रोसिक्यूशन कॉमा पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। तो नॉन कंप्लायंसेस का जो हमारे 3 चैप्टर्स है चैप्टर 5, 6, 9, मैंने चैप्टर के नाम बताया कि नहीं, नाम बताने की जरूरत ही नहीं, नाम समझे बगैर आप ये समझ सकते हो कि चैप्टर्स में क्या क्या होगा, चैप्टर्स में रेगुलेटरी एक्शन पर बात होगी, चैप्टर्स में प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज और पनिशमेंट के पर बात होगी। देन नंबर सी हम कहेंगे यहां पर सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर्स होंगे, जरूरत पड़ने पर सिविल और क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में केस चलेगी। अरे बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, तो आई प्रिज्यूम सबको ये समझ में आ गया है नॉन कंप्लायंसेस में क्या एक्शंस होते हैं। नॉन कंप्लायंसेस में जो एक्शंस होते हैं सबसे पहले रेगुलेटरी एक्शन होता है, नॉन कंप्लायंसेस में रेगुलेटरी एक्शन मतलब शो कॉज नोटिस होगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान हो सकता है, जिसको लेकर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल भी होगा। अगर किसी कंपनी के खिलाफ इस तरह का नॉन कंप्लायंस की शिकायत होती है और नॉन कंप्लायंसेस का एक्शन लेना है तो ये उसका प्रोसेस मैंने बता दिया, रेगुलेटरी एक्शन, प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर। ये कौन से एक्ट में होगा, हर वो लॉ जो कंपनीज को एप्लीकेबल है उसके तहत ये एक्शन लिया जाएगा। समझा है तो जय माता दी बोल दो, मैं 7 पॉइंट में जा रहा हूं, समझा है तो सब लोग जय माता दी बोल दो क्विकली, जय माता दी। किसी को इसको लेकर कोई सवाल है तो कमेंट भी करो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन ऑल्सो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, कोई समझा है तो जय माता दी बोल दो। वेरी गुड, परफेक्ट,
सब लोग जय माता दी बोल रहे हैं, मतलब मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं किसी को कोई सवाल नहीं है, वेटिंग फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स, कोई सवाल है तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है, ओके। तो दोस्तों हमारा 7th पॉइंट बहुत ही लिंक्ड है, अगेन पहले 6 पॉइंट्स से लिंक्ड है। हमारा 7th पॉइंट मुझे पूछने की जरूरत नहीं, ऑल नो रेमेडीज है, तो रेमेडीज आप आगे लिखो, बट रेमेडीज किसके लिए, रेमेडीज फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, रेमेडीज फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस। क्या बात है, एंड नॉन कंप्लायंसेस। तो बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस 7th पॉइंट, मैं आपको ये बता दूं हमारे 7th पॉइंट में चैप्टर नंबर 7 और 8 है, चैप्टर नंबर 7 और 8 है। तो अब इस हेडिंग का मतलब कौन मुझे बोलेगा, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स ऑफ योर्स। रेमेडीज दिया है, रेमेडीज फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस। कैन यू इंटरप्रेट द वर्ड सेंटेंस एंड टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। सचिन ने बोला सर रेगुलेटरी एक्शन मींस इंटीमेशन टू कंपनी, रेगुलेटरी एक्शन स्टार्ट्स विद इंटीमेशन। सचिन बेटा रेगुलेटरी एक्शन स्टार्ट्स विद इंटीमेशन, शो कॉज नोटिस। द बिगिनिंग ऑफ रेगुलेटरी एक्शन इज फर्स्ट शो कॉज नोटिस, इट इज नॉट द एंड। कोई भी रेगुलेटरी एक्शन लेना है तो पहले शो कॉज नोटिस देना है। वेरी गुड, करेक्ट सुशील। एमेजॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस रिटेल एंड किशोर बिहारी का बिग बाजार जो हम कहते हैं फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप एमेजॉन और रिलायंस का जो चल रहा है वो भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, बट उसका एक अलग केस स्टडी है, हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले, डोंट वरी, हम उस केस स्टडी को बहुत डिटेल में देखने वाले। फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस ग्रुप एंड अमेजॉन ग्रुप की केस स्टडी के ऊपर मेरा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ममता ने कहा इसका मतलब है हाउ टू रिजॉल्व कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, ना मुन्नी ना, नो ममता, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इट। If there is a corporate dispute and non-compliance, then how to come out of it? Okay. देखो अब ममता, तुमने जो लिखा है और जो सपना ने लिखा है दोनों का लिखने का तरीका सेम है, बट फिर भी मुझे किसका बेटर लगा, मुझे सपना का बेटर लगा, बिकॉज सपना ने ज्यादा सिंपल वे में क्लैरिफाई किया है, ज्यादा सिंपल वे में क्लैरिफाई किया है। यस ममता, यू आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट प्रेजेंटेशन का तरीका जो सपना ने लिखा है, इफ देर इज अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड नॉन कंप्लायंसेस देन हाउ टू कम आउट ऑफ इट। भैया कल को डिस्प्यूट हो गया, कल को नॉन कंप्लायंसेस हो गए, गलती हो गई ना, गलती हो गई तो उस गलती को कैसे सुधारे भाई, उस गलती से कैसे बाहर आए, उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करे, उसको लेकर रेमेडीज यहां पर दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब रेमेडीज जो होते हैं ना वो दो कैटेगरीज में है, रेमेडीज दो कैटेगरीज में। तो सब लोग मैं सर लिखो यहां पर रेमेडीज के नीचे द्वारा स्टॉक करो, और द्वारा उसमें पहले आरम लिखोगे आप फर्स्ट आरम में बिफोर सच कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पब्लिक नॉन कंप्लायंस अराइजेस, बिफोर सच कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और नॉन कंप्लायंसेस अराइजेस, और सेकंड में हम लिखेंगे वहां पर आफ्टर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और नॉन कंप्लायंस arises. Yes. Yes, quickly. Think on this. Just 30 seconds. Quickly, think on this. क्या आएगा? Quickly, बोलो मुझे. बोलो भाई, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को इस तरह से ना हो, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड नॉन कंप्लायंसेस इस तरह से ना हो, बिफोर सच कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और नॉन कंप्लायंस अराइजेस एक रेमेडी होगा, और आफ्टर सच कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नॉन कंप्लायंस अराइजेस उसमें भी रेमेडी होगा। भैया डिस्प्यूट होने से पहले भी रेमेडी, डिस्प्यूट होने के बाद भी रेमेडी, तो जो डिस्प्यूट होने से पहले का रेमेडी होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रिवेंटिव एक्शन कहेंगे, प्रोएक्टिव स्टेप्स कहेंगे। भैया प्रिवेंटिव एक्शन, प्रोएक्टिव स्टेप्स, इसको हम कहेंगे बिफोर द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नॉन कंप्लायंस अराइजेस,
उसके लिए बॉर्डर प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव स्टेप्स, व्हाट आर द रेमेडीज। आप सबको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। आप मुझे बोलो, जब भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, ध्यान से सुनना, जब भी किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कहीं पर भी आग लगती है, तो आग लगने के बाद वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लाते हैं या पहले से ही फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी वो अलग। मेरा सवाल क्या है, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर आता है या आग लगने से पहले ही वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होता है? बिफोर ओनली, करेक्ट। सो बिफोर द फायर ऑकर्स, every commercial complex or every residential building will have some fire extinguisher as per the safety norms, as per the fire norms, and that is preventive action. So before a corporate dispute arises, before a non-compliance arises, every company must have some sort of arrangement where they must have that team to handle such dispute or non-compliances. So yahan par hum kya kehte hain, एज पर रेरा, रेरा तो अभी आया चिरंजीव, ये कॉमन सेंस है बेटा, रेरा तो अभी आया है, ये कॉमन सेंस है कि भैया फायर एक्सटिंग्विशर्स पहले होंगे। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है वो अलग से, बट आग लगने से पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। सेम वे बिफोर सच नॉन कंप्लायंस अराइजेस, कंपनीज को क्या करना है, आपको उधर नीचे लिखना है, हैव अ क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। कंपनी को क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए कंपनी के अंदर। देन नंबर टू, कंपनी के अंदर प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होगा, लिया होगा इंश्योरेंस, लिया होगा कंपनी ने। देन नंबर थ्री हम लिखेंगे डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी, उनकी भी पॉलिसी निकल जाएगी। अरे बोलो भाई, मतलब क्या? नंबर फोर, रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन, रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस। ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होने से पहले, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होने से पहले क्या होना है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होने से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होनी है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होने से पहले आपकी प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से पहले डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से पहले रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोच होना चाहिए। सो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो या नॉन कंप्लायंस हो, उसके अंदर इसका क्या रोल है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 में। ये हमारा अभी चैप्टर नंबर 8 होगा, सॉरी, हमारा चैप्टर नंबर 8 ये पूरा इस पर डिपेंडेंट है। बिफोर नॉन कंप्लायंसेस और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस, व्हाट आर द रेमेडीज। तो चैप्टर नंबर 8 किसको लेकर है? अरे बोलो भाई, चैप्टर नंबर 8 किसको लेकर है? एक कंपनी में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और नॉन कंप्लायंसेस होने से पहले कंपनी के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम अगर है, तो वो उस डिस्प्यूट को, नॉन कंप्लायंस को बेटर तरीके से हैंडल करेगी। कंपनी के अंदर जो कंपनी के प्रोफेशनल्स है, डायरेक्टर्स है, उनके बिहाफ पर कंपनी इंश्योरेंस निकालती है, उनका इंश्योरेंस निकालती है। कल को गलती हो गई भाई डायरेक्टर से, तो उस गलती का अंजाम डायरेक्टर के पर्सनल असेट्स को सीज करके दिया जाएगा, तो डायरेक्टर तो रोड पे आ जाएगा। तो इसलिए कंपनी डायरेक्टर को सेफगार्ड करने के लिए प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस निकालती है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी होती है, रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस होते हैं। अगर सबको ये फर्स्ट पॉइंट प्रिवेंटिव एक्शन वाला बिफोर द डिस्प्यूट अराइजेस समझा है तो दो थम्स अप करो, समझा है तो दो थम्स अप करो क्विकली, समझा है तो दो थम्स अप करो। मतलब ये डिस्प्यूट होने से पहले हुआ भाई, डिस्प्यूट से पहले हुआ, समझा है तो दो थम्स अप करो। आपके पास ये टीम होगी तो ये डिस्प्यूट को हैंडल कर पाएंगे, नॉन कंप्लायंसेस को बेटर तरीके से कर पाएंगे। डिस्प्यूट होने से पहले कंपनी के पास ये सब रेडी होना चाहिए। अब हम जो सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं, सेकेंड पार्ट क्या है, आफ्टर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और नॉन कंप्लायंस अराइजेस। भैया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होने के बाद और नॉन कंप्लायंसेस के बाद क्या करना है? भैया जब डिस्प्यूट हो गया, अब नॉन कंप्लायंस हो गया, तो चुपचाप गलती मान लो और जो भी सजा है वो भुगत लो, तो उसके लिए क्या करना है?
उसके लिए ये नीचे सिंगल आर करके लिखो, सबसे पहले नंबर वन आप लोग करोगे, नंबर वन सबसे पहले आप करोगे कंपाउंडिंग, गलती हो गई, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। बताऊंगा डेफिनेटली शिवानी बेटा, आई एक्सप्लेन दैट अगेन, डोंट वरी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस ये लिख लो पहले। देन नंबर टू मीडिएशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। भैया डिस्प्यूट हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया, अब क्या करना है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस करना है, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन के रास्ते फॉलो करना है। देन नंबर थ्री, देन नंबर थ्री मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन के बाद नंबर थ्री सेटलमेंट, अरे एक्सप्लेन डोंट वरी, सेटलमेंट एंड प्रोसीडिंग्स। एंड लास्ट नंबर फोर, अगर वो उससे बात नहीं बनी तो अपील्स। भैया मतलब ये जो आफ्टर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है तो ये क्या होगा? ये सारे कोर्ट के प्रोसीजर्स है। फिर वो हम कहते हैं ट्रायल कोर्ट हो या फिर सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, सच काइंड ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, सेटलमेंट प्रोसीडिंग, अपील्स, ये हमारे पास क्या है? रेमेडी है। रेमेडी, रेमेडी कब है? आफ्टर द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड आफ्टर द नॉन कंप्लायंसेस। बिफोर द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में रेमेडी क्या था? हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट टीम थी, जो वो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का रोल क्या था? भैया डिस्प्यूट होने ही ना दे, डिस्प्यूट होने ही ना दे, नॉन कंप्लायंसेस अगर होते भी है तो उसको इमीडिएटली मैनेज कर ले। या फिर प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है? जो भी कंपनी के प्रोफेशनल्स है, एग्जाम्पल तो मैं दे रहा हूं फॉर यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, कंपनी के जो भी प्रोफेशनल्स है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर है, कंपनी के अंदर कोई प्रोफेशनल, हम कैसे कंपनी का लॉयर है, कंपनी का कोई हम क्या प्रोफेशनल है, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी एक प्रोफेशनल है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है प्रैक्टिसिंग वो भी एक प्रोफेशनल है। तो आप ध्यान से सुनो, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस मतलब क्या? कल को कंपनी के लॉयर से या कंपनी के सीए से या कंपनी के उस कंपनी सेक्रेटरी से कंपनी के अंदर उसने कंपनी के बिहाफ पर कोई ड्यूटी निभाई, कंपनी के बिहाफ पर कोई काम किया और उस काम में कुछ गलती के कारण थर्ड पार्टी ने क्लेम कर दिया, थर्ड पार्टी ने कंपनी से नुकसान भरपाई क्लेम की, अब कंपनी के उस कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर की गलती से थर्ड पार्टी ने कंपनी से कॉम्पेंसेशन क्लेम किया कोर्ट में, गलती उसके सामने आ गई। अब ऐसे केस में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और जो कंपनी के लॉयर है, अगर वो उस केस में इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कॉम्पेंसेशन देने के लिए, तो कंपनी को अपने जेब से देना पड़ेगा। बिकॉज फॉर एवरी एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, फॉर एवरी एक्ट ऑफ एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल, एंड फॉर एवरी एक्ट ऑफ एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने जो भी प्रोफेशनल्स है, अपने जो भी प्रोफेशनल्स है उनके एक्शंस के लिए कंपनी का नुकसान ना हो इसलिए उनके बिहाफ पर इंश्योरेंस निकालती है, जो हम उस चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। समझा है क्या उत्कर्ष एंड शिवानी? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस किसे कहते हैं? कंपनी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इनके बिहाफ पर ये इंश्योरेंस निकालती है। उत्कर्ष एंड शिवानी, आर यू देयर? समझा है क्या? वेटिंग फॉर कमेंट्स। यस उत्कर्ष एंड शिवानी, यस सर वेरी गुड। एट द सेम टाइम पॉइंट नंबर फोर में जो है रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस, दोस्तों ये रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस में कंपनी कंपनी के अंदर, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी टीम होता है। आजकल इस ऑनलाइन के जमाने में, डोंट वरी मैं बता रहा हूं शिवानी पेशेंस, आजकल इस ऑनलाइन के जमाने में कंपनी के पास साइबर सिक्योरिटी टीम होती है। रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस, कंपनी के अंदर हम कहते हैं प्रॉपर सिस्टम्स ऑडिट होता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके वेबसाइट है, उनके एप्स है,
एप्स और वेबसाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, इश्यू आ गया, तो कस्टमर्स और क्लाइंट्स को नुकसान हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के ऐप को अगर यूजर फ्रेंडली नहीं बनाया गया नुकसान हो सकता है। इसलिए उनका साइबर सिक्योरिटी टीम होता है, सिस्टम्स ऑडिट होता है, जिसका समय समय पर क्या होता है ड्यू डिलीजेंस होता है, ऑडिट होता है, और क्या रिस्क है नेट बैंकिंग के तहत, कितने तो भी फ्रॉड्स होते हैं, तो ऐसे फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कंपनी की अपनी एक साइबर सिक्योरिटी टीम, अपना एक सिस्टम ऑडिट होता है जो ये समय समय पर ऑडिट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। इवन आप देखोगे आपके मोबाइल में, जब आप सैमसंग का मोबाइल हो, आईफोन का मोबाइल हो, आपके मोबाइल में हर महीने दो महीने में अपडेट आता है, आता है ना अपडेट शिवानी, अपडेट आता है कि मोबाइल में हर महीने दो महीने में अपडेट आता है, तीन महीने में अपडेट आता है। वो अपडेट क्या होता है, अपडेट में पढ़ो रिमूविंग डीबग्स, रिमूविंग द पास्ट वी कैन से वायरसेस, या कुछ डीबग्स होगा, कुछ एरर्स होगा, तो उसको रिमूव किया जाता है। वो क्यों होता है, कंपनी का अपना इंटरनल टीम है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस, नॉन कंप्लायंसेस आने से पहले, शिवानी समझा क्या? यस, एवरी मंथ सिक्योरिटी पैच, हैव यू अंडरस्टूड शिवानी? ऐ शिवानी, yes, couple of days back there is a glitch in NSE and it's under SEBI's radar. Similarly, HDFC Bank outages invited wrath of RBI. Correct? Yes, ये जो example सुशील ने दिया ना दोस्तों, indirectly ये hint लग रहा है कि सुशील is very much connected to stock market. क्या सुशील सच है ना? Stock market से connected हो काफी? सुशील, जस्ट आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन बेटा, अगर इच्छा हो तो जवाब दो, जरूरी नहीं है। हाँ सुशील, यस, देखो ये इनडायरेक्टली हिंट है, तो भैया आपको ये समझते आना चाहिए। दैट्स इट, वेरी गुड। एनीवेज दोस्तों, आज के सेशन में हमने क्या देखा है, आज के सेशन में हमने सबसे पहले ये देखा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करोगे तो क्या नुकसान होंगे। फिर हमने देखा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करोगे तो क्या फायदे होंगे। फिर हमने देखा नॉन कंप्लायंसेस में, नॉन कंप्लायंस अंडर कंपनी एक्ट के अलावा और वेरियस लॉज में क्या क्या एक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर हमने देखा कि भैया रेमेडीज में, रेमेडीज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के लिए, बिफोर सच नॉन कंप्लायंसेस कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइज क्या रेमेडीज है, एंड आफ्टर सच कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और नॉन कंप्लायंस अराइज क्या रेमेडीज है, ये हमने देखा। आई प्रिज्यूम सबको आज का डिस्कशन क्लियर है, क्लियर है तो एक बार अच्छे से कुछ तालियां हो जाए या कमेंट हो जाए, कोई सवाल है तो भी कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हमारे लिए आपके कमेंट्स ही एनर्जी बूस्टर है, मोटिवेशन है, बस ध्यान रखना, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस, तो भाई आज का जो सेशन है, आरजी का यहाँ पे रोकते हैं। हमारा कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी, कल के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, कल हमारा आरसीडी, मैं टाइमिंग बता दू प्लीज, कल का हमारा आरसीडी का टाइमिंग सुबह 8:30 है। टुमारो आरसीडी इज एट 8:30 AM एंड गवर्नेंस का टाइमिंग आज आफ्टरनून में 1:30 PM है। टुडे 1:30 PM गवर्नेंस है और 8:30 AM टुमारो आरसीडी है। कंपाउंडिंग का मीनिंग शिवानी को नहीं पता है, माय गॉड शिवानी, कंपाउंडिंग का अगर तुम्हें मतलब नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, कंपाउंडिंग मतलब कॉम्प्रोमाइजेस, सेटलमेंट्स, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होता है। एग्जीक्यूटिव में तुमको ये कंपनी लॉ में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ के अंदर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़े होंगे, विल स्टडी दैट। लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं शिवानी, लेस सीरियस ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग होता है, मतलब उनका सेटलमेंट होता है, फाइन दी जाती है वहां पर, ज्यादा सीरियस पेनल्टी नहीं लगती है कंपनी को, फाइन देके कंपनी छूट जाती है कंपाउंडिंग में। We'll discuss that in detail. Don't worry, हमारा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 5 में उसका डिटेल डिस्कशन है शिवानी, चैप्टर नंबर 5 में, डोंट वरी। सी यू टुमारो मॉर्निंग 8:30 AM एंड GRMC गवर्नेंस टुडे एट 1:30 PM। ओके,
रिडक्शन ऑफ पेनल्टी ड्यू टू वॉलेंटरी एडमिशन ऑफ गिल्ट। निदान ने उसका पोस्टमार्टम करके दे दिया तुम्हें, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेस सीरियस, तुमको बहुत सिंपल बोलना है, लेस सीरियस ऑफेंसेस आफ्टर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइजेस में। सेकंड पॉइंट और एक बार बता दू, शशांक ने बोला आफ्टर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में मीडिएशन कॉन्सेशन। दोस्तों ध्यान रखना, मैं अगेन आपको बताऊं, ये हम लोगों ने जो लिखा है ये हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का डिस्कशन है। मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर नंबर 7 और 8 में हम ये रेमेडीज देखने वाले, हम इसको सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं अभी तक इसको आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि भैया अगर रेमेडीज होंगे तो क्या क्या रेमेडीज होंगे बिफोर और आफ्टर। ये सारे रेमेडीज हमको डिटेल में आगे आने वाले हमारे चैप्टर्स में पढ़ने हैं। ये रेमेडीज डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। दिस बैच विल गेट ओवर अप्रोक्सीमेटली बाय 31st of May और फर्स्ट वीक ऑफ जून और 31st of May दिस बैच विल गेट ओवर। मीडिएशन कॉन्सेशन कंपनीज एक्ट में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत ही नहीं। कंपनीज एक्ट के अंदर मीडिएशन कॉन्सेशन है, जैसे तुमने पढ़ा होगा, किसने, शशांक, आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन पढ़ा है शशांक, आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन, हैव यू रेड आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन शशांक, आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन पढ़ा है तुमने शशांक, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, इज शशांक देयर, शशांक बेटा आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? यस सर, शशांक, शशांक ने सवाल पूछा था ना, शशांक आर यू देयर, आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन, यस सर। तो भैया आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कोर्ट के बाहर जाके वो डिस्प्यूट रिजोल्व होता है, वैसे कंपनी का जो डिस्प्यूट होता है शशांक, कंपनी के डिस्प्यूट में कंपनीज एक्ट के अंदर मीडिएशन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स है। क्या है, मीडिएशन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, कंपनीज एक्ट के अंदर ही ये सेक्शंस और प्रोविजंस दिए जिसमें कंपनी के झगड़ों को हम मीडिएशन और कॉन्सिलेशन के तहत रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि कंपनी अपने बिजनेस पर फोकस कर सके और डिस्प्यूट के अंदर ज्यादा कंपनी का एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मीडिएशन और कॉन्सिलेशन रूल्स है जिस पर हमारा एक सेपरेट चैप्टर है। मीडिएशन कॉन्सिलेशन इज जस्ट लाइक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। तो पहले क्या होगा, कॉन्सिलेशन, और कॉन्सिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो मीडिएशन। इज इट क्लियर शशांक, शशांक क्लियर है तो दो थम्स अप कर दो। यस शशांक, यस वही तो मैं बता रहा था। बट दोस्तों मैं आपको सीरियस नोट पे बता रहा हूं, सीरियस नोट पर आपको आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, मीडिएशन कॉन्सेशन, ये पॉइंट्स एट प्रोफेशनल लेवल व्हेन यू आर देयर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, मीडिएशन कॉन्सेशन किसे कहते हैं। ओके दैट्स ऑल फॉर द डे, टाटा बाय बाय बोलो सब लोग, शशांक का थम्स अप आ गया, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग 8:30 AM, टाटा बाय बाय। जब भी कोई बोलेगा मैं तुरंत उस वक्त स्ट्रीम स्टॉप कर दूंगा। आई वांट यू, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, नमस्ते, सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। यस मुस्कान, यूर राइट बेटा, जय माता दी, बाय बाय, जय माता दी, जय माता दी ऑल ऑफ यू।